तो अब हम चल रहे हैं एक और नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फोटो एडिटिंग, या इसको हम कहते हैं इमेज एडिटिंग। ठीक है, वर्ड है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब इसका यूं कह सकते हैं कि किसी भी इमेज को, यानी कि फोटो कह लें, इमेज कह लें, उसमें मेक सम चेंजेस, तो कोई भी चेंजेस करने का जो अमल होगा उसको हम कहते हैं एडिटिंग। लेकिन फोटो एडिटिंग कहेंगे या इमेज एडिटिंग कहेंगे, ठीक है ना। मतलब अब तक हम काम कर रहे थे टेक्स्ट पर, मतलब हम वर्ड पर, एक्सेल पर, पावर पॉइंट में, उसमें शेप भी थे, लेकिन उनको हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। हम टेक्स्ट को एडिट कर पा रहे थे इजीली, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, चेंजेस कर रहे थे, लेकिन शेप्स को और इमेजेस को एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो जब एडिट की बात आती है तो यहाँ पर एक और चैप्टर आपका शुरू होता है, जिसको आप फोटो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग कहते हैं। और इस चैप्टर की जो मेजर फील्ड आ जाती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में एक चैप्टर तो है आपका फोटो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, और दूसरा चैप्टर है इसके अंदर डिजाइनिंग का। तो अब आप सीख रहे हैं फोटो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग वगैरह। अब इसमें क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज करना सीख रहे हैं इसके अंदर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब फोटोशॉप। ठीक है, जो वर्ल्ड मोस्ट यूजेबल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अब तक, सिंस 90s, 1990 से लेके अब तक ये काफी ज्यादा फेमस और दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के हवाले से। इसमें कई तरह का एडिट कर सकते हैं हम, इसमें फोटो एडिट कर सकते हैं। अब फोटो एडिट से मतलब किस तरह का फोटो हो सकता है, जिसमें हम कलर इफेक्ट्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स इफेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करने के हवाले से इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट चेंज करने के हवाले से इस पे काम किया जा सकता है, एड न्यू ऑब्जेक्ट के हवाले से इसमें काम किया जा सकता है, रिमूव करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, और टू मल्टीपल फोटोज को एडिट किया जा सकता है, और फिर उनसे कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, आईडी कार्ड्स पर काम किया जा सकता है, पोस्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, पेनाफ्लेक्स इस पर बनाए जा सकते हैं, पोस्ट बनाई जा सकती हैं इसके ऊपर, कवर पेज बनाए जा सकते हैं, थंबनेल बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा कवर पेज, थंबनेल्स हो गए, और लोगोस को भी इसके अंदर एडिट्स या लिटिल बिट डिजाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। काफी सारा काम है, पूरी इंडस्ट्री है, पूरी फील्ड से रिलेटेड इस सॉफ्टवेयर पे काम किया जा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर आज से नहीं, 90s से काम कर रहा है मार्केट में। एडोब इसकी कंपनी का नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है जिसने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज वगैरह को बनाया है, और फोटोशॉप इस सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि यूज होता आ रहा है। इसके कई सारे वर्जन्स हैं, अगर हम इनकी वर्जन्स की बात करें तो यहाँ पर से स्टार्ट होता है 6.0 से स्टार्ट होते हैं, 7.0, और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है CC 2023 है। इससे पहले आ गया था CC 2022 था, इससे पहले आ गया था CC 2021 था। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है, CS6 है, ठीक है ना। CS6 का मतलब हो गया, जब ये 16 वर्जन हो गया तो इसको CS के नाम से दे दिया, मतलब ये 9 पर आया, 10 पर आया, तो फिर ये 10 पे हो गया सी, एडोब फोटोशॉप CC हो गया, या CS हो गया। फिर उसके बाद 11 आया, CS1 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, CS2 हो गया, CS3 हो गया, CS4। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन इतना मुश्किल नहीं है निकालना, हम इसको इजीली यहाँ से मालूम में ले सकते हैं। अगर हमें ये नॉलेज चाहिए इसके हवाले से, तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ से कह देंगे एडोब फोटोशॉप वर्जन लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। मोर आइटम्स पर चले जाएंगे तो आपको कई सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरी बात ये कि फ्री एप्लीकेशंस नहीं है, पैड एप्लीकेशन है, तो आपको बाय करनी होती है, तो इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी हैं। और अगर आप इस बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप adobe.com पे चले जाइए, ये आपको सारे अपने नए पुराने सारे टूल्स के चार्जेस बता देगा। तो जब तक ये लोड हो रहा है हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो ये देखें, अब आपका जो चैप्टर है इसमें आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, इसमें आपने शीट नहीं बनानी, प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, बल्कि मुख्तलिफ फोटोज को
स्नैच करना है और उसको एडिट करना है, या मात्र फोटो लेके कोई तीन चार को मिला के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, कोई नया आइडिया। अब ये बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग फील्ड तो है, लेकिन इसमें आपका सेंस कितना, आप उस बात को समझते हैं, कैसे समझते हैं, क्या आपको समझ आती है, वो सारी बातें आपकी इसके ऊपर बेस करती हैं। तो जितना अच्छा आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, जैसे इफेक्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, मतलब इसमें आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं फोटो के साथ, जो चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ये कि आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, टूल्स सेम रहेंगे, टूल्स को ही समझ के आप जो चीज़ इसमें चाहें क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर, और इससे ज़्यादा भी कई चीज़ें आप बना सकते हैं इसके अंदर, और ये सारा काम आप फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम सीख रहे हैं फोटो एडिटिंग के बारे में, ठीक है।